हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एल अर्नर। सो फ्रेंड्स, आज सेसन में आम डिस्कसन करने जाऊँ। आमर एटा रमर जो मैंने भी आम क्लास देखुए से मैंने जानते तो ये रही आम डेफिशिएंसी एंड डिजीजेस पार्ट टू। ठीक अच्छे, जोटा कि आप इम्पोर्टेंट रही जो मैंने भी आम अंगनवाड़ी सुपरवाइजर होगा जोटा कि आम ICDS कहूँ तो मोस्ट इम्पोर्टेंट कह कहीं से जो हेल्थ रिलेटेड डिजीज रिलेटेड यही सब जिन पचारि थे। ठीक अच्छे, आउ ता सहित आप कौन भी एग्जाम दौरान ओ SSSC अंडारे होगा ओ SSSC अंडारे होगा आमर RI ARI OMIN SFS किसी भी दौरान आप देखिए प्रत्येक एग्जाम आपण गोटे दुटा क्वेश्चन आपंकर डिजीजेस एंड तापर डेफिशिएंसी उपरे आपंकर आसी थाए सियोरली। ठीक अच्छे, जे कौथिर कौ रोग हुए आपंकर कौ बैक्टीरिया द्वारा कौ रोग हुए ये आपंकर क्वेश्चन सब एग्जाम आसी थाए। ठीक अच्छे, तो तेणु ये रही है पार्ट वन को आम ऑलरेडी डिस्कस कर सारी, ये रोर पार्ट टू। ठीक अच्छे, तो ताकू ही डिस्कसन करवा आज वीडियो रे, तबे चलो तो स्टार्ट करिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो कहबे आपन मानको देखंतु एटा हमर जो पार्ट वन हमर थिला सेथि हमने क्वेश्चन नंबर 17 टू ऑलरेडी डिस्कस करा सरीची। ठीक अच्छे, तो आम जाइलु पाखापाखि आम 115 पाखापाखि आम क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कसन कर सारी। ठीक अच्छे, तो आमर 115 जाए सरी, तो आज आम 116 टू स्टार्ट करिया। ठीक अच्छे, तो क्वेश्चन नंबर 116 कौन अच्छे देखते आपंकर। सो क्वेश्चन नंबर 115 आम सरी ऑलरेडी आम डिस्कस करूँ। ठीक अच्छे, तेज आज आम डिस्कस कर 116 ठार देखते जहाँ जहाँ अच्छे आमर। ठीक अच्छे, तो 116 कौन अच्छे आप देखते ह्विच अफ दि फलोईंग कजेटिव एजेंट्स कजेस दि डिजीज इबोला, मैंने इबोला आम क्या द्वारा होता है आपको पचार। ठीक अच्छे, तो इबोलाटा क्या द्वारा होता है आमर ना यहाँ गोटे आमर भाइराल डिजीज, ऑप्शन नंबर सी हमारे राइट आंसर। ठीक अच्छे, तो इबोला इज कज बाय भाइरस इन दि एबालो भाइरस एंड फिलोविरिडी फैमिली। ठीक अच्छे, तो यहाँ आम कौ भाइरस द्वारा होता है ना इबोला भाइरस द्वारा होता है। ठीक अच्छे, यहाँ भी मन रखा जिनस इबोलाटा कौ भाइरस द्वारा होता है इबोला भाइरस। ठीक अच्छे, तो 117 कौन अच्छे देखते ह्विच अफ दि फलोईंग डिजीज इज कज बाय फंगस, तो कौटा गोटे फंगाल डिजीज बोली पचार मैंने फंगस द्वारा होता है। ओभीयसली यहाँ आम रिंग वार्म आपंकर जो गोटे छऊ हाँ गोटे गोटे जगह धला धला होगा नाली नाली पड़ा जो हुए से जिनका, तो सीटा आम कौन ना रिंग वार्म द्वारा होता है यहाँ गोटे आम फंगाल डिजीज। ठीक अच्छे, तो यहाँ आप पढ़ी पारे रिंग वार्म इज कज बाय फंगस आथलेट्स फुड्स बा टीनिया पेडिस ये सब जिन जेनराली होता है। आम रहीगला कौन ना ऑनिकोमाइकोसिस और फंगल इन्फेक्शन ऑफ द नेल डायरिया स्मॉलपॉक्स पोलियो आर वायरल डिज, किंतु डायरिया हो गला। ठीक अच्छे, डायरिया हो गला स्मॉलपॉक्स पोलियो एगा जो दिखाई स्मॉलपॉक्स डायरिया पोलियो ये सब आप गोटे गोटे वायरल डिज। ठीक अच्छे, नेक्स्ट जी देखो 118 कौन अच्छे ह्विच अफ दि फलोईंग इज ए वाटर सलिबुल विटामिन, कौटा गोटे वाटर सलिबुल विटामिन आपको पचार तेयर राइट आंसर कौन हम ना ऑप्शन नंबर बी विटामिन सी। ठीक अच्छे, तो आप गोटे मन रखुद आपंकर बी आउ सी होती विटामिन बी आउ सी होती आम वाटर सलिबुल। ठीक अच्छे, वाटर सलिबुल है विटामिन बी आउ सी, बाकी जहाँ भी रही से सब फैट सलिबुल। ठीक अच्छे, फैट सलिबुल बाकी जहाँ भी रही आपन खाली दुईटा मन रखुद आप विटामिन बी आउ सी होती आम कौन ना वाटर सलिबुल, बाकी जहाँ भी पचार करेंगे कौन ना फैट सलिबुल। ठीक अच्छे, नेक्स्ट जी देखो क्वेश्चन नंबर 119 कौन अच्छे जे ह्विच अफ दि फलोईंग डिजीज इज कज बाय बैक्टीरिया, कौटा गोटे बैक्टीरियाल डिजीज बोली आपको पचार, तो बैक्टीरियाल डिजीज कौटा ये भितर, तो पोलियो तो गोटे वायरल डिजीज आम टी आगे पढ़िलु हाँ कि नहीं, तो ये भितर आम डायरिया जो होगा ना सॉरी डिप्थेरिया, डिप्थेरियाटा आम गोटे हम कौन ना बैक्टीरियाल डिजीज। ठीक अच्छे, कौन ना डिप्थेरिया इज कज बाय बैक्टीरिया, अदर डिजीज कज बाय बैक्टीरिया, टीबीटा भी आम गोटे बैक्टीरियाल डिजीज। ठीक अच्छे, टीबी आपको हुए आप शुनी थे यहाँ बहुत ही गोटे पॉपुलर डिजीज मैंने बहुत लोगों को होता है टीबीटा, तो टीबी गोटे आम कौन यहाँ गोटे बैक्टीरियल डिजीज। तापर आम रहीगला मलेरिया रिंग वार्म ईटीसी एगा सब आम रण गोटे गोटे बैक्टीरियल डिजीज रपर पोलियो कौन पोलियो रुबेला एंड जाइका फीवर ये सब है वायरल डिजीज, तो यहाँ जो एक्स्ट्रा जिनस जो गुड़ाक अच्छे ना से मस्ट रीड मुझे केवल PDF देखो PDF आपजे आम कौन ना टेलीग्राम ग्रुप जो रही है आम एलर्नर से मुझे आज सेयार करदेवि। ठीक अच्छे, तो PDF आपजे कि केवल PDFटा देखे हेनी आपको वीडियोस मध्ये देखिवार अच्छे मुझे सजेस्ट करी कहीं PDF तो आपरे बहुत थी हाँ कि नहीं सबूर PDF आप मोबाइल पढ़ी थी मुझे जानी समस्त पाखे सब प्रकार PDF थाए कि PDF रू के पढ़ती हाँ कि नहीं कथा सही तेणु समस्त को सजेसन रहा प्रथम आप देखु
प्रथमे आपण भिडियोज देखंतु तापरे जाईके आपण थरे रीडिंग मार देबे आपणकर जहा भी आमर रहीछि पीडीएफ टा सी पीडीएफ टा को रीडिंग मार देबे आपणकर बहुत किछि जिनिस आपण जानिबा पई पाइबे ठीक अछि। केवल पीडीएफ पढ़ी के आपण एतेटा आमर फ्रुटफुल हबनी ठीक अछि। त निश्चित भाबे प्रथमे भिडियोज देखंतु तापरे जाईके आपण माने पीडीएफ टा रीड कर देबे। तो क्वेश्चन नंबर 120 कोन अछि देखंतु, जे ह्विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिजीज कॉज्ड बाय वायरस, कोटा गोटे वायरस द्वारा कोटा हे न थाई बोले आपनको पचार। तो कौन ना प्लेग, तो प्लेग टा हमरो मशा कामुडेले हेथै ना, मुसा जनरली हमरो कामुडेले इटा हेथै ओके ने, प्लेग टा प्लेग रो कामुडेले बा इटा गोटे हम कहि परे गोटे बैक्टीरियल डिजीज बोली याको हम कहि पारिबा ठीक अछि। किंतु बाकी जो रह गेला एड्स इबोला जाइका सब हमरो गोटे गोटे वायरल डिजीज ठीक अछि। देन 121 कोन छै ना, द लिवर इज अफेक्टेड एंड स्किन स्किन एंड आईज टर्न येलो ड्यू टू द डिपोजिट ऑफ बाइल पिगमेंट। तो हमर जो बाइल डिपोजिट द्वारा हमर स्किन आउ आई गुडा को येलो पड़ी जीवा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डाइजेस्टिव डिजऑर्डर इज डिस्क्राइब, माने माने एटा कहा द्वारा हेते कोन पई एटा कोन हेले हमर ए सब देखा जाय हमर सिम्पटम्स देखा जाय। तो सेटा कथा पचार छी, तो कोन ना हमर जॉन्डिस ऑप्शन नंबर बी ठीक अछि। जे इन जॉन्डिस स्किन एंड आईज टर्न येलो बिकॉज ऑफ हाई लेवल ऑफ बिलीरुबिन ओके, बिलीरुबिन रो परिमाण हमरो बढ़ी जाए से हमरो स्किन आउ हमर आखि ए सब हलदिया पड़ जाए ओके, ताको ही कहा जाए जॉन्डिस ओके। तो 121 गला पे हमें जब 122 कौन अच्छे देखो, जे एएमआर ओकर्स व्हेन बैक्टीरिया वायरसेस फंगी एंड पारासाइट्स चेंज ओवर टाइम एंड नो लॉन्गर रिस्पोंस टू मेडिसिन मेकिंग इन्फेक्शन हार्डर टू ट्रीट एंड इनक्रीजिंग द रिस्क ऑफ डिजीज स्प्रेड सीवियर इलनेस एंड हेल्थ डेथ। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एएमएआर, तो एएमएआर रो आपनकर फुल फॉर्म जनरली पचार छी आपन। तो एएमआर रो फुल फॉर्म कोन ना आपनकर एंटी माइक्रोबियल ठीक अछि। एंटी माइक्रोबियल माने ऑप्शन नंबर डी, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस ठीक अछि। इंपोर्टेंट रही छी क्वेश्चन टा आपनको पई एएमआर रो फुल फॉर्म कोन, एएमआर रहला एंटी ओके माइक्रोबियल माइक्रोबियल एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। तो थरे थरे आपण लिखि दउथे जो गुडा को इम्पोर्टेंस रहूछि जिन सब गुडा थरे लिखि देबे जदि आपनको ताले एटा माने कोन लॉन्ग टर्म मेमोरी एटा हम कहि पारे आपनको पई बहुत दिन पई मने रहिए ठीक अछि। तो 123 देखंतु, लेपर्सी इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, लेपर्सी टा हमर कहा द्वारा हेते को रोग द्वारा ठीक अछि। तो एटा हमर कहा द्वारा हेते ना माइकोबैक्टीरियम लेप्री ओके, माइकोबैक्टीरियम लेप्री लेपोर्सीटा जो आमर सेटा को बैक्टीरिया द्वारा हेते माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री ओके। आ लेपोर्सी गोटे बैक्टीरियल डिजीज एटा भी मने रखिबे, लेपोर्सी गोटे होची आपनकर बैक्टीरियल डिजीज। बाकी जिनस गुडा को आपन पढ़ी देबे, मुझे आपनकर शेयर कर दे पीडीएफ टा आम ग्रुप रे ठीक अछि। तो व्हाट इज अनदर नेम फॉर द डिजऑर्डर कॉल्ड पारासोमनिया, पारासोमनिया रो अदर नेम पचार। तो पारासोमनिया माने कोन ना स्लीप स्लीपिंग स्लीप वाकिंग ओके, स्लीप वाकिंग माने जो माने निदरे चालंती देखिबे बहुत लोक थांती आपन कोन ना निदरे से माने चाली बुलिबे हो कि ने जानि परिबेनी कोन करूचंती कोन नाही। तो सेटा कोइ कोआ जाय हमर कोन ना पारासोमनिया ठीक अछि। तो ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट बा देखंतु आपनकर 125 कोन अछि, जे ट्राकोमा, तो ट्राकोमा इज ए प्रिवेंटेबल डिजीज दैट रिजल्ट फ्रॉम पोअर हाइजीन एंड सैनिटेशन, माने हमर पोअर हाइजीन माने स्वच्छता अपरिष्कार हेके रहिले जनरली हमर ट्राकोमाटा हेतै। तो एटा को हमें प्रिभेन्ट करि परिबा, इट इज ए प्रिभेन्टेबल डिजीज ठीक अछि, माने याठो हमें रक्षा पाई परिबा। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी पार्ट्स डज इट अफेक्ट, माने हमर जदि ट्राकोमा हेला ये हमर बॉडी को बॉडी पार्टटा को हमर अफेक्ट करिबा बोली पचार छी ठीक अछि। तो काहा को ना आई को ये अफेक्ट करथै जनरली ओके आई को। तो आपण माने गोटे वन ऑफ द एग्जांपल हम कहि परिबे, वर्तमान जो आखी धरा चालछि आपण माने देखिथिबे ओके आखि धरे। तो आपण माने कहि परिबे कि सेही वन ऑफ द फैक्टर माने ट्राकोमा जो माने तार गुटे कहि परिबे, ट्राकोमा ही तो सेटा कुआ जीवनी जेतु एटा गुटे न्यू नुआ प्रकार आसछि आपणकर, बट आपणकर वन माने सेही भलिया ट्राकोमा जेमति आखि धराटा भी सेम, काहेकि ना ये आखि को ही अफेक्ट करिथे ठीक अछि। तो ये थिला आपणकर कोन ना आई को सी अफेक्ट करे। देन 126 कोन अछि देखंतु, डाउन सिंड्रोम व्हिच कजेस लर्निंग डिफिकल्टीज एंड फिजिकल हेल्थ डेवलपमेंट डिलेज एंड डिजेबिलिटीज इज ए, माने कौचि डाउन सिंड्रोमटा आमर जो डाउन सिंड्रोम रो लक्षण कौन ना ये आमर कौन लर्निंग डिफिकल्टीज क्रिएट कर, माने माने पाठ पढ़ा को इच्छा हेनी आपंकर कनसेनट्रेसन कम आ फिजिकाल हेल्थ आपंकर ठीक रही कौन ना डाउन सिंड्रोम है। तो यहाँ गोटे कौ प्रकार डिजीज बोली पचार आईटा गोटे आपने जो मैंने सैंस पे जानते जेटा गोटे जेनेटिक डिजीज ठीक अच्छे। डाउन सिंड्रोमटा यहाँ गोटे इजे क्रोमोजोमल कंडीशन दैट इज एसोसिएटेड विथ इंटेलेक्चुअल डिजेबिलिटी ए कैरेक्टरिस्टिक्स फेसियल अपीयरेंस एंड वीक मसल टोन
ইন ইনফান্সি, ঠিক আছে। তো ডাউন সিনড্রোমটা এটা গোটে আমাদের জেনেটিক্যাল ডিজিজ। ওকে, তো 127 কোন আছে দেখুন, যে হুইচ অফ দি ফলোইং ডিজিজেস ইজ কজড বাই হেলিকোব্যাক্টর পাইরোলি। তো হেলিকোব্যাক্টর পাইরোলি যে আমার ডিজিজটা, সরি, আমার যে রয়েছে হেলিকোব্যাক্টেরিয়াল, আমার কেউ রোগটা করাইথায় বলে পচার। তো ইয়ার রাইট আনসর কোন হবে না, গ্যাস্ট্রিটিস, ঠিক আছে। তো গ্যাস্ট্রিটিস যে আমার ডিজিজ সেইটা করতে কি হেলিকোব্যাকটেরিয়া পাইরোলি। দেন 128 কোন আছে দেখুন, দি কজ অফ সিডেরোসিস ইজ দি এক্সেস ডিপোজিশন অফ ড্যাশ ইন দি বডি টিস্যু। মানে বডি টিস্যুরে এক্সেস পরিমাণের কোন ডিপোজিট হেলে আমি তাকে সিডেরোসিস বলিকি কইবা, ঠিক আছে। তো কোন না, ইয়ার রাইট আনসার হব আইরন। তো আপনার বডিটে যদি আইরনর পরিমাণ অধিক হয়ে গেল, ওকে নি, তো সব দেখুন, আইরন হয়ে গেল, ক্যালসিয়াম হয়ে গেল, আমার এইসব জিনিস গুড়া কোণ দরকার, বাট আপনার কোণ গোটে ডেফিনাইট এমাউন্টর দরকার, সে অধিক হয়ে গেলে কোণ সি বি এফেক্ট করব। তেমন আইরনটা দরকার আমার ব্লডে, আইরন থাকে আপনার জাঁথিবে, তো আইরন দরকার, বাট গোটে ডেফিনাইট এমাউন্টর দরকার। তেমন এক্সেস যদি হয়ে গেল তাকে আমি কোণ কইবা না, সিডেরোসিস বলিকি কইবা, ঠিক আছে। তো 129 দেখুন কোণ আছে আপনার, যে হুইচ অফ দি ফলোইং ডিজিজেস ড্যামেজেস দি আইজ অপটিক নর্ভ, মানে আখির অপটিক নর্ভকে সি আমার এফেক্ট করব, এন্ড রেজল্ট ইন ভিজন লস, যাফলে কি আমার ভিজন লস হব বা আমি অন্ধ হয়ে যাব, এন্ড ব্লাইন্ডনেস, এন্ড অকর্স ওয়েন দি নর্মাল ফ্লুইড প্রেসর ইনসাইড দি আইজ স্লোলি রাইজ। আউ এটা কেতবে হুয়ে, যেতবে আমার নর্মাল ফ্লুইড প্রেসরটা আই আখি ভিতরে, যেতবে আমার নর্মাল ফ্লুইড প্রেসরটা বহুত কমি যায়, সেতবে আমার এইটা হয়ে থাকে জেনারেল। তো তাকে আমার কেউ রোগ বলে কুহায়, তো তাকে কোণ কুয়া না, গ্লোকোমা, ওকে, গ্লোকোমা বলে কি কুয়া, অপশন নম্বর ডি হয়ে যাওয়া রাইট আনসার, গ্লোকোমা, ঠিক আছে। বাট আপনার যদি গনোরিয়া মানে কোণ না, দেখুন গনোরিয়া হচ্ছে ইজ এন ইনফেকশিয়াস কজড বাই এ সেক্সুয়ালি ট্রান্সমিটেড ব্যাকটেরিয়াম দ্যাট ইনফেক্টস বোথ মেল এন্ড ফিমেল। এটা গোটে সেক্সুয়ালি ট্রান্সমিটেড ডিজিজ, কোটা না, গনোরিয়াটা। বাট আপনার ভিটিলিগো যদি কইবি, তো ইট ইজ এ ডিজিজ দ্যাট কজ লস অফ স্কিন কলর, আপনার স্কিন কলর যদি চেঞ্জ হয়ে যাব, আপনার যদি ভিটিগেল হয়েছে, ঠিক সেইভাবে। সরোসিস মানে কোণ না, ইজ এ স্কিন ডিজিজ, এইটা বি গোটে প্রকার স্কিন ডিজিজরে আমার যায়, ঠিক আছে। তো 130 কোণ আছে না, কনজুক্টিভিটিস ইজ এন ইনফেকশন প্রাইমেরিলি রিলেটেড টু, তো কনজুক্টিভিটিস, তো এইটা কেউ প্রকার গোটে আমার জেনারেলি ইনফেকশন বলিকি আপনার পচার, এইটা কোথায় হয়েছে না, আপনার অপশন নম্বর সি আইজরে হয়েছে, ওকে। তো কনজুক্টিভিটিস মিন্স ইয়ার অর্থ কোণ না, ইনফ্লামেসন অফ দি কনজুক্টিভা, ঠিক আছে, আপনার কনজুক্টিভাটা ইনফ্লামেসন হয়ে যাব বা ফুলি যাব। এন্ড দি কমনেস্ট কজ ইজ ইনফেকশন বাই ভাইরস, আউ এটা গোটে কোণ না, ভাইরাল ডিজিজ, ঠিক আছে। ডি টু দি কেমিক্যাল ইরিটেন্টস ট্রাডিশনাল আই রিমেডিজ অর এলার্জি, এলার্জি দ্বারা জেনারেলি আমার এটা বি হয়ে থাকে, ওকে। তেন 131 দেখুন আপনার কোণ আছে, যে লিউকেমিয়া ইজ এ ক্যান্সার অফ দি, মানে লিউকেমিয়া কইলে কেউ ক্যান্সার, ক্যান্সার বহুত টাইপ আছে আপনার দেখি দেবে, ব্লড ক্যান্সার কুহতি, ব্রেন ক্যান্সার, এইভাবে ভাবে কুহতি। তাহলে যদি লিউকেমিয়া কইবা, তো লিউকেমিয়ার অর্থ কোণ, লিউকেমিয়া অর্থ কেউ ক্যান্সারটাকে বুঝা যায়, তো এটা কোণ না, এটা আমার ব্লড ক্যান্সারকে বুঝায়, ঠিক আছে। লিউকেমিয়া মানে আমার ব্লড ক্যান্সার, ঠিক আছে, ওকে। দেন নেক্সট যা দেখুন, 132 যে টিউমরস দ্যাট নর্মালি রিমেন কনফাইন্ড টু দেয়ার অরিজিনাল লোকেশন এন্ড ডু নট স্প্রেড টু অদর পার্টস অফ দি বডি এন্ড কজ লিটিল ড্যামেজ আর কল টিউমরস ডেস টিউমর, মানে যে টিউমরটা জেনারেলি আপনার মানে শুনেছি টিউমর হয়েছে, মানে টিউমর হয়েছে লোক মানুষ ব্রেন্রে, টিউমর হয়েছে ইয়ে হয়েছে লিভর হয়েছে, তো এটা শুনেছি, তো টিউমর জেনারেলি বহুত প্রকার থাকে, তো এইটি কুহাইছে যে মানে যেটা কি বহুত লিটিল ড্যামেজ করে আমার বডি পার্টসকে, বহুত কম পরিমাণের এফেক্ট করে, তো আপনার আউ এটা স্প্রেড হুয়ে না অন্য পার্টসকে, জেনারেলি স্প্রেড হুয়ে, ঠিক আছে। তো এইটা আমি কেউ প্রকার টিউমর বলে কহ, তো এখন কোণ কুয়া যায় না, বেনিন টিউমর, অপশন নম্বর বি, ওকে। তো বেনিন টিউমর কহবা ইয়াকে, ওকে। কিন্তু আপনার যদি মেলিগনাট টিউমরস কইব, তার ইয়ে আমার কোণ না, পাখরে থাকা টিস্যুকে মধ্যে স্প্রেড হয়ে যাব, কিন্তু আপনার বেনিন টিউমরটা আমার কোণ পাখরে থাকা টিস্যুকে আমার স্প্রেড হুয়ে না, ঠিক আছে, পাখরে থাকা টিস্যুকে স্প্রেড হব না আমার বেনিন টিউমরটা, বাট আপনার মেলিগনাট টিউমরসটা স্প্রেড হয়ে যায়, ঠিক আছে। তো 133 কোণ আছে দেখুন, হুইচ কজেটিভ মাইক্রো অর্গানিজম ইজ রেসপন্সিবল ফর দি কমন কল এন্ড ইনফ্লুয়েঞ্জা, তো কমন কল আউ ইনফ্লুয়েঞ্জা এটা তো সমস্ত নিশ্চিত ভাবে জনা থাকবে, মতো লাগুচি আপনার তো থন্ডা তো বহুত থর হয়েছিল নুহ কি, ওকে না, এবে বহুত পিলা হয়েছিল, তো থন্ডাটা যে আপনার হয়ে কমন কল যেটা কুচু কিংবা ইনফ্লুয়েঞ্জা, তো এসব আমার কেউ প্রকার ডিজিজ বলে কুহায়, তো এইটা কোণ না, গোটা ভাইরাল ডিজিজ, ঠিক আছে, আমার কমন কলটা গোটে ভাইরাল ডিজিজ মনে রাখবে, আর আমার কোণ না ইনফ্লুয়েঞ্জাটা মধ্যে।
যে মিক্সোভাইরস ইজ রেসপন্সিবল ফর কজিং ইনফ্লুয়েঞ্জা। তো ইনফ্লুয়েঞ্জার কি করাইতে না মিক্সো ভাইরস, ওকে মিক্সো। দেন 134 কোণ আছে দেখুন, হোয়াট ডিজিজ ইজ কজড বাই ইনসুলিন ডেফিসিয়েন্সি। তো ইনসুলিন ডেফিসিয়েন্সি দ্বারা কোন রোগ হয়ে, এটা মু আপনার ফার্স্ট ক্লাসে অলরেডি ডিসকস করছি, যে দেখি ফার্স্ট ক্লাসটা নিশ্চিত ভাবে মনে পকাই পারে, ঠিক আছে। যে আমার ইনসুলিন অভাবে আমার কোণ হুয়ে না ডায়াবেটিস মেলিটস হয়ে, অপশন নম্বর বি, ঠিক আছে। আমার আমার কোণ না আমার যে ডায়াবেটিসটা জেনারেলি তিন প্রকার হয়ে, সেথা আমি অলরেডি ডিসকস করছি, তিন প্রকার ডায়াবেটিস আমার থাকে, ঠিক আছে। তো নেক্সট যা দেখুন আমার 135, যে হুইচ অফ দি ফলোইং আই ডিজর্ডর ইজ নন এজ লেজি আই। তো লেজি আই কহিলে আমি কেউ প্রকার আই ডিজর্ডর কু বুঝি থাকি। তো কোণ না লেজি ডিজর্ডর মানে আপনার এমব্লিওপিয়া, ওকে। তো এমব্লিওপিয়া মানে কোণ না এমব্লিওপিয়া ইজ এ টাইপ অফ পোর ভিজন দ্যাট হ্যাপেন্স ইন জাস্ট ওয়ান আই, মানে এটা গোটে আখিকে হি এফেক্ট করে। এমব্লিওপিয়া বহুত লোক থাকবে কহবে মতো গোটে আখিরে দেখা যাওনি, তার অর্থ তাঙ্কু এমব্লিওপিয়া হয়েছে, ঠিক আছে। ইট ডেভেলপস ওয়েন দেয়ার ইজ এ ব্রেকডাউন ইন হাউ দি ব্রেন ক্যান্ট রেকগনাইজ দি সাইট ফ্রম ওয়ান আই, যেতবে গোটে আখিটা আমার চিহ্নি পারে নি। তো ওভর টাইম দি ব্রেন রিয়েলাইজ রিলিভস মোর এন্ড মোর অন দি স্ট্রঙ্গার আই, হোয়াইল ভিজন ইন দি উইকার আই গেটস ওয়ার্স, যাফলে কি তা উপরে এফেক্ট পড়ব ব্রেন দ্বারা, আউ আপনার সেটা মানে কোণ অধিক খারাপ হয়ে যাবে, ঠিক আছে। তো এমব্লিওপিয়া গোটে প্রকার আই ডিজিজ কইপারে, গোটে সাইড আখি যদি আপনার প্রবলেম দেখুছি মানে আপনার এমব্লিওপিয়া হয়েছে, ঠিক আছে। দেন 136 কোণ আছে দেখুন, না লিউকোপেনিয়া ইজ এন আবনর্মাল। তো লিউকোপেনিয়া কহিলে আমি কোণ বুঝু জেনারেলি এটা কেউ প্রকার আবনর্মালিটি কু দর্শায়, না ইয়ে আমার ডিক্রিজ ইন দি হোয়াইট ব্লড সেল। তো আপনার হোয়াইট ব্লড সেল বা ডব্লুবিসি যেটা কৌছু আমি, ওকে। তো ডব্লুবিসির কাম কোণ না আপনার আমি প্রটেক্ট জেনারেলি প্রটেক্ট করে, ঠিক আছে। প্রটেক্ট করে মানে আপনার কোণ না ফরেন আপনার ফরেন আপনার ব্যাকটেরিয়া হয়ে গেল ফঙ্গাল হয়ে গেল যা আপনার আপনার যে কমন কল হচ্ছে কি কিছু হচ্ছে আপনার সহ আপনার যে মানে প্রটেক্ট করে সি কোণ না হোয়াইট ব্লড সেল। তো অপশন নম্বর বি, যদি আপনার ডিক্রিজ হয়ে যাচ্ছে ব্লড হোয়াইট ডব্লুবিসি সংখ্যা, তাহলে আপনার লিউকোপেনিয়া বলি হয়েছে বলে কহবা, ঠিক আছে। তো এটা গোটে ইম্পর্টাণ্ট কোশ্চেন, ডিপ্রেসন ইজ এ ডেস ইডোজার। ডিপ্রেসন এটা গোটে মোস্ট কমন বর্তমান টাইমে বহুত পিলা কহবে দেখবে, এটা কমন ওয়ার্ডটা সমস্ত যে মু ডিপ্রেসন রে অছি, হ্যাঁ কি তো ডিপ্রেসন রে মু অছি। তো এটা আমার কেউ প্রকার ডিজর্ডর বলে পচারছি, তো অবভিয়াসলি এটা আপনার মুড না যে মু আজ ডিপ্রেসন রে অছি। তো এটা পাই কোনসি ব্যাকটেরিয়া তো দরকার নেই, ব্যাকটেরিয়া কিংবা ভাইরস এসব তো দরকার নেই পাই, হ্যাঁ কি তো তো আপনার ডিপ্রেসন, তো এটা গোটে মুড ওরিয়েন্টেড, যে মু বর্তমান দুঃখরে বেশি অনেক কোণী গোটে আপনার যে এম করছেন, ধরা যে আপনার এম অছি গোটে ধর যে আইসিডিএস যে সুপরভাইজর বাহারি মু গোটে ভ্যাকেন্সি মোর গোটে পোস্টটি দরকার। তো আপনার তাপাই বহুত চেষ্টা কলে, হ্যাঁ কি বহুত নিজের দিনরাতে এক করি সব ক্লাসেস দেখুম যা কুহাচ্ছে করছেন, পিডিএফ পড়ুম, নিজে সেলফ স্টডি করছেন, কিন্তু তাপরে বি ওয়ার্স্ট কেস সিনারিও ভগবান নকরুন এমতি হোক, বাট আপনার হেলা না, ওকে। বাট যদি যে সতরে মানে কোণ হার্ডওয়ার্ক করেছি তার তো হয়েই যাব নিশ্চিত ভাবে, বাট ধরা যাও আপনার হেলা না, সেই কেসে কোণ আপনার কোণ আপনার মুড ঠিক রহবনি, যে আপনার সবুলে সেই কথা ভাববে, আপনার কাহা সাংরে কথা হবেনি, ডিপ্রেসন কু যাবে। তো সেই যে ডিপ্রেসনটা সেটা কাহা উপরে না আপনার মুড উপরে হি ডিপেন্ড করে থাকে, ঠিক আছে। ইট মে বি ডিসক্রাইবড এজ ফিলিং অফ স্যাডনেস, ঠিক আছে, দুঃখর। দেন লস অর এঙ্গার দ্যাট ইনফার উইথ পারসনস এভরিডেজ অ্যাক্টিভিটি, যাফলে কি আপনার নীতিদিনিয়া কামরে মধ্যে সেইটা রিফ্লেক্ট করব। তো 138 কোণ অছি না জেরোপ্থালামিয়া ইজ কজড বাই ডিউ টু দি ডেফিসিয়েন্সি অফ ভিটামিন। তো জেরোপ্থালামিয়া আমার কেউ ভিটামিন অভাবে হয়ে, জেরোপ্থালামিয়া তো এটা কোণ আমার অপশন নম্বর এ হবার রাইট আনসর, সরি ডি, যে ভিটামিন এ অভাবে আমার হয়ে কোণ জেরোপ্থালামিয়া, ঠিক আছে। দেন দেখুন আপনার প্যারেনসিয়াস এনিমিয়া ইজ কজড বাই দি ডেফিসিয়েন্সি অফ ভিটামিন। তো প্যারেনসিয়াস, ওকে, প্যারেনসিয়াস এনিমিয়া, ওকে। তো প্যারেনসিয়াস এনিমিয়া আমার যে রয়েছে, তো এই ডিজিজটা কাহা অভাবে হয়ে থাকে আমার জেনারেলি, তো এইটা আমার ভিটামিন বি 12 অভাবে হয়ে থাকে, ওকে ওকে। 139 গলা। সো ফ্রেন্ডস দেখুন, যদি সেসন ভাল লাগুছে সমস্ত কবি সেসন ভাল লাগুলে ভিডিওকে গোটে লাইক করবে, সাঙ্গ মান সহ সেয়ার করার, চ্যানেলকে নয় থাকলে চ্যানেলটিকে সবসক্রাইব করবে, যাফলে কি আপনার আহরি ক্লাস নিয়ে আসবি, আমি গোটে পরে গোটে কভর করা, ঠিক আছে, ঠিক আছে। তো আপনার আগে গোটে সজেসন রয়েছে, যে আমার সিলাবস ভিডিও দেখি না কিংবা
पीआईक्यू को मध्ये आमे ऑलरेडी कवर करिचु। पीआईक्यू आपण मानकर आपण जदि सिलेबस जान नांती केमती परीक्षा होय आपण माने जान नथिबे बहुत पिला जे दीटा पेपर होय पेपर 1 पेपर 2 कोथिरे कोन कोन आसे आपणकर पीआईक्यू केमती थिला सेगुडा को आमे ऑलरेडी डिस्कस करि सारिचु। ठीक अछि त आपण माने जो माने देखि नांती समस्त जाईकि पीआईक्यू वीडियोस देखंतु तापरे कोन सब एलिजिबिलिटी रहिछि से सब ऊपर मध्ये आमे डिस्कस करिचु ऑलरेडी। तो समस्ते जाइ कि प्रथमे से गुडा देखंतु ताले गोटे आपन ओवरऑल आइडिया पाई जिवे जे आपन को केमिति प्रिपेयर करिवार अछि। ठीक अछि बुझि हला ओके। तो नेक्स्ट जिवा देखंतु आपन कर नेक्स्ट 140 कोन अछि देखंतु क्वेश्चन नंबर 140 जे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। तो कोडा गोटे कम्युनिकेबल डिजीज नो सेटा आपन को पचारछि इनडायरेक्टली। ठीक अच्छे कम्युनिकेबल आ गए नन कम्युनिकेबल जोटा कि कम्युनिकेबल मैंने जनक आज जन को व्यापीब बट जोटा जाए से नन कम्युनिकेबल नन ट्रांसमिटेड। तो कौटा नन ट्रांसमिटेड बोली कही तो कौटा ना आपंकर हेपाटाइटिस बी हम आपंकर एड्स भी होता है सिफिलिस भी आम कम्युनिकेबल बट आपंकर जो सीरोसिस सीरोसिसटा आप ट्रांसमिटेड नुह कहीं दि हार्मफुल यूज अफ आल्कोहल कंट्रीब्यूट टू ओवर 200 हेल्थ कंडीशंस दि मेजोरीटी अफ हुई आर एनसीडीज इनक्लूडिंग कैंसर्स कार्डियोवायरस डिजीज एंड लिभर सीरोसिस। तो लिभर सीरोस कौन ना मद अधिक पीले यहाँ है तो सीरोसिस कौन पाई ना मद अधिक पीले से तो आप मद पीजिए आपन को हम ना आउ क्या हम कि एड्स होगा हेपाटाइटिस सिफिलिस एसब जदि आप कहते ना अशोधित छुंची ब्लड एसब जो नौकरी आपन को हबार चान्स अच्छे कितना सीरोसिस कौन से तो आप मद पीबार जो है ना तो सीटा केमती ट्रांसमिटेड तो सीटा हम ना। तो 141 कौन अच्छी देखो ना व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डायग्नोस्ड विथ दि वाइडल टेस्ट। तो वाइडल टेस्ट द्वारा आम कौटा को डायग्नोस्ड कर मानते वाइडल टेस्ट कापाई होता है। ठीक अच्छे ये कमन देखिए आपण मानते हुए आपण मैं कौन पाई ना यहाँ आम जेनराली टाइफएड होता है आपने देखिए जिते बन को टाइफएड रोग होता है। ठीक अच्छे टाइफएड होते आज डॉक्टर पाखक जाती तो आपंकर टेस्ट हुए ब्लड तो देखिए से गोटे से जो आपको प्रेस्क्रिप्शन दिया है टेस्टर रिपोर्टा। ठीक अच्छे टेस्टर रिपोर्टा जो दिया हुए से देखिए आपको वाइडल टेस्ट होता है जदि आप टाइफएड कर। ठीक अच्छे तो ये गोटे कमन जिनस बट जान न था बहुत पिला तो ठीक अच्छे तो वाइडल टेस्ट आम कहीं ना टाइफएड करा जाए। ठीक अच्छे दे नेक्स्ट 142 देखु जे हेमोफोबिया इज दि फियर अफ हेमोफोबिया आमर क्या डर डरटा को कहुए। ठीक अच्छे जो बहुत प्रकार देखिए बहुत लोग निआ को डरती किए पा को डरे किए आपणकर कौन मानने किसी भी जदि सेमती गोटे सीभीयर एक्सीडेट हो जाए सी देखिपर हो कि नहीं तो से भाई हेमोफोबिया कहले आम जेनराली क्या बुझी था ना ब्लड तो जो मैंने मानने अधिक ब्लड देखीदे मैंने सेनसलेस हो तो से भाया लोक कौन हेमोफोबिया बोलिक कहुए। ठीक अच्छे द नेक्स्ट जी देखते 143 जे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज हेज बीन इराडिकेटेड वर्ल्ड वाइड माने वर्तमान आउ से आपणकर कौन ना डिजीजटा ना टोटल वर्ल्ड वाइड से हटि जाए। ठीक अच्छे माने आमर सी होगा वैक्सीनेशन द्वारा होगा कि प्रिवेंटिव मेजर्स यूज करके वर्तमान आउ से ना। ठीक अच्छे माने पूरा पृथ्वी में ही ना बुझे तेल यहाँ होगा स्मॉल पॉक्स ऑप्शन नंबर डी। ठीक अच्छे जे स्मॉल पॉक्स हेज एक्जिटेड फॉर एट 3000 इयर्स एंड वाज वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट फियर्ड डिजीज आंटिल इट वाज इराडिकेटेड बाय ए कोलाबोरेटिव ग्लोबल वैक्सीनेशन प्रोग्राम लीड बाय द WHO। ठीक अच्छे वैक्सीनेशन द्वारा यहाँ बर्तमान आम टोटाली इराडिकेट कर। ठीक अच्छे दि लास्ट नॉन नेचुरल केस वाज इन सोमालिया इन 1977 स्मॉल पॉक्स वाज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड इराडिकेटेड इन 1979। ठीक अच्छे माने स्मॉल पॉक्स आउ बहुत दिन है देखा जाए ना केवटू ना 1977 रु। ठीक अच्छे 1977 रे शेष थरपाई आम देखा जाइला स्मॉल पॉक्स डिजीज। ठीक अच्छे तो आम 1979 रे तेणु आम डिक्लेयर करागला जे आम स्मॉल पॉक्सटा सबुदिन ग्लोबली इराडिकेट हो जाए। ठीक अच्छे तो 144 देखो दि नेम ऑफ व्हिच ऑफ दि व्हिच डिजीज एमंग दि फॉलोइंग मीन्स एविल इन्फ्लुएंस ऑफ दि स्टार। तो एविल इन्फ्लुएंस ऑफ दि स्टार कहले आम कौ रोगटा को बुझी था। ठीक अच्छे कौन ना एविल इन्फ्लुएंस ऑफ दि स्टार। ठीक अच्छे कौन ना एविल इन्फ्लुएंस ऑफ दि स्टार कहले आम क्या बुझू ना इन्फ्लुएंजा को बुझी था। ठीक अच्छे इन्फ्लुएंजा को बुझी था आउ इन्फ्लुएंजा गोटे कौ प्रकार डिजीज टी आगे कहले आपको भाइराल डिजीज
ठीक अच्छे आउ ये कौ भाईरस द्वारा होता है मुझे टी आगे डिस्कस कली आम से जो कमन कल आउ इनफ्लुएंजा को जिते मुझे कहली से मुझे आपको डिस्कस कली कौ भाईरस द्वारा होता है तो आपको ये टास्क रोज आप गोटे कमेंट करेंगे जो मैंने सीरीयस अच्छा मुझे कहि ठीक अच्छे बहुत पिला देखिक कौन इग्नोर कर दिखती बट जो मैंने सीरीयस अच्छा कहि कहीं या द्वारा आपको कौन रिकल करेंगे जहाँफल कि टाइपिंग करेंगे आप मन रोक ठीक अच्छे अधिक दिन पर तो यहाँ आपको रहा टास्क जे इनफ्लुएंजा कौ भाईरस द्वारा होता है यहाँ टी आप कमेंट करियो, ओके okay. आप प्रोटोजोआन जो दिन तो डिजीज को ना डायरिया होगा मलेरिया होगा काला आजार ये सब बैक्टीरियल डिजीज है टीबी होगा कलेर प्लेग निमोनिया टाइफएडा गोटे आप बैक्टीरियल डिजीज आउ टाइफएड पर कौ टेस्ट करा जाए ना वाइडल टेस्ट करा जाए ठीक अच्छे तो नेक्स्ट जी देखो तो आपन 145 कौन हो गला ना आपंकर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय वायरस कोडा गोटे वायरल डिजीज बोले पचार तो यहाँ तो आपंकर कौन ना रुबेला ऑप्शन नंबर सी ठीक अच्छे रुबेला गोटे आम वायरल डिजीज ओके मन है तो नेक्स्ट जी देखो आप 146 कौन अच्छी जो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कम्युनिकेबल डिजीज कोडा गोटे कम्युनिकेबल डिजीज मैंने जनको आउ जन को चलो देखो ये जो आस्थमा होगा आस्थमा शुणी बहुत पिला जो निश्वास नवर कष्ट तो यहाँ गोटे आम कौन ना जहाँ को हम ताक तो यहाँ आम कम्युनिकेबल से भाया डायबिटीज आलजाइमर ये सब आम कौन ना नॉट कम्युनिकेबल मैं नॉन ट्रांसमिटेड ठीक अच्छे बट मिजिल्सटा हूँ जन को मैंने आपको आउ जन को हबार चान्स रोचे ओके तो नेक्स्ट जी 147 कौन अच्छी ना रोटा भाईरस भैक्सीन इज यूज टू प्रिभेन्ट ह्विज डीज तो रोटा भाईरस जो भैक्सीनटा दि जाए आम कौ डीज पर दि जाए ठीक अच्छे रोटा भाईरस ना डायरिया ठीक अच्छे ये बहुत पिला जान ना डायरिया आम कौ भैक्सीन दि जाए ठीक अच्छे बहुत पिला भाव थे डायरिया कौन डायरिया तो झाड़ा झाड़ा ना झाड़ा हेले झाड़ा हुए जनरली से डायरिया हेले तो आम ये कौन वैक्सीन दि जाए कि बहुत पिला जान ना थे कि एक्चुअली डायरिया वैक्सीन अच्छे कौन ना रोटा भाईरस वैक्सीन ठीक अच्छे दे नेक्स्ट जी देखो 148 की कौन अच्छी ना आप गोइटर इज कॉज ड्यू टू द लैक ऑफ व्हिच हार्मोन तो गोइटर आम कौ हार्मोन अभाव रही है गोइटर ठीक अच्छे तो यहाँ कौन आम थायरोक्सिन हार्मोन अभाव होता है कौन ना थायरोक्सिन आउ एटा कौ कौ ग्लांड रु सिक्रेट हुए यहाँ भी इंपोर्टेंट रही है थायरोक्सिन हार्मोन कौ कौ ग्लांड रु आम सिक्रेट हुए तो कौ ग्लांड रु ना थायरॉइड ग्लांड रु आम थायरोक्सिन हार्मोन सिक्रेट होता है आउ आंथ्राक्सटा आम क्या द्वारा होता है आंथ्राक्स आंथ्राक्स एटा क्या जनित रोग आप आंथ्राक्स गोटे आपंकर कौन ऑप्शन नंबर बी बैक्टीरियल डिजीज ठीक अच्छे तो ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर आंथ्राक्स इज ए बैक्टीरियल डिजीज ठीक अच्छे तो आंथ्राक्स विषय जब आप एक्सट्रा जानापी चाहती तेल आप पीडीएफ्टा टी पढ़ीदे मुझे पीडीएफ्टा आम टेलीग्राम ग्रुप्रे सेयार करदेवि ठीक अच्छे डिस्क्रिप्शन बक्स तार लिंक अच्छे से जॉइन होजे आज मुझे सेयार करदेवि तो आंथ्राक्स इज ए रेयर बट सीरियस इलनेस कॉज्ड बाय द स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरियम बेसिलस आंथ्रासीस तो आम क्या द्वारा होता है ना बेसिलस आंथ्रासीस द्वारा आपंकर होता है तेन 150 जी देखो दि डेफिसीयसी ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लीड्स टू पेलाग्रा डिजीज तो पेलाग्रा डिजीज आम क्या अभाव होता है ओके तो यहाँ क्या अभाव होता है आमर ना नियासीन ऑप्शन नंबर डी ठीक अच्छे नियासीन बा जोटा को आम क्या विटामिन बी थ्री ठीक अच्छे नियासीन क्या कहा जाए विटामिन बी थ्री को कहुए ठीक अच्छे तो विटामिन बी थ्री अभाव कौन हुए ना नियासीन होता है आउ गोटे यहाँ देखो यहाँ मुझे फास्ट क्लास आप सहित डिस्कस करी जो थ्री डीज कहे आम कौन बुझू थ्री डीज कहे आम कौन बुझू ओके ना यहाँ तीन टा रोग को जेनराली सूचे थाए गोटे डिमेंटिया डायरिया आउ डिमार्टिस डिमार्टिटिस ये आम फास्ट क्लास डिस्कस करूँ हो कि नहीं तो इंपोर्टेंट रही सब गुड़ाक आप देखिपे सब गुड़ाक कौन ना कौन एग्जाम आसी एस एस सी एम टी एस आसी आपंकर यहाँ देखिपारे एम टी एस आसी तो ये सब गुड़ाक इंपोर्टेंट क्वेश्चन गुड़ाक ठीक अच्छे तो 151 देखो ह्वाट इज द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज येलो वेन मोजाइक भिंडी ओके तो आम जो येलो वेन मोजाइक भिंडी ये जो रोगटा तो यार ट्रांसमिशन क्या द्वारा होता है तो यहाँ गोटे आमर का द्वारा ना इनसेक्ट द्वारा आम ट्रांसमिट होता है जनों पाखु आउ जन ठीक अच्छे आउ यहाँ गोटे आम भाइराल डीजी ठीक अच्छे तो नेक्स्ट जी देखो आम 152 कौन अच्छी जो ह्विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए वाटर बॉर्न डीजी मानने पानी द्वारा कौटा हो न थाए ओके तो आम टाइफएड होता है आपना थोड़ा हेपाटाइटिस कलेरा सब आम कौन ना वाटर जनित रोग यहाँ भी गोटे आपको पचारदे से ही पचार कौटा व्टार द्वारा हो न थाए मान यू आप हुए यहाँ भी मन रखिए जो कौन कौन रोग व्टार द्वारा होता है कलेरा हो पार टाइफएड हो पार आपंकर हेपाटाइटिस बट ये मम्स रही मम्सटा गोटे आम व्टार जनित रोग नुहे ठीक अच्छे तो ऑप्शन नंबर बी तेन 153 जी देखो
आपणकर कौन जे ह्विज वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजर्डर कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ फंक्शनल प्लाज्मा क्लॉटिंग फैक्टर भी थ्री आई एफ भी थ्री आई ह्विच मे बी इनहेरिटेड और एराइज फ्रम स्पन्टानिअस म्यूटेसन। तो स्पन्टानिअस म्यूटेसन द्वारा आमर एक्स लिंक्ड आमर जो रिसेसिव डिजर्डर जोटा कहुच तो यहाँ कौ जनित रोग बामर कौन कहुए या हेमोफिलिया ए बोल कि कह जाए। ठीक अच्छे हेमोफिलिया ए इज ए रिसेसिव डिजर्डर। ठीक अच्छे बुझिपारे हेमोफिलिया ए जे रिसेसिव डिजर्डर कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ फंक्शनल प्लाज्मा क्लॉटिंग। तो आपको जब प्लाज्मा क्लॉटिंग रो अभाव रहुची ओके प्लाज्माटा जनरली आम कौन करे ना ब्लड क्लॉटिंग करिवारे सहाय करे। तो ब्लड क्लॉटिंग रे जदि आपको प्रॉब्लम होची माने आपको हेमोफिलिया ए हिची। ठीक अच्छे माने जल्दी आप ब्लड क्लॉट करिवनी माने आपन जदि कटिगला आपको जल्दी कोना रक्त बंद हबो नै। ठीक अच्छे सेटा को ही कहा जाए हेमोफिलिया ए। ठीक अच्छे तो नेक्स्ट जी देखो आपंकर 154 केतरे क्वेश्चन अच्छे टी देखी दूसरी आपंकर 160 जाए अच्छे। ठीक अच्छे तो 160 जाए देखीद सब गुड़ाक आपंकर देन 154 अच्छे देखो हाइपो कालेमिया इज कॉज बाय डेफिशिएंसी। हाइपोक्लेमिया आम कहार डेफिशिएंसी रे होता है तो हाइपोक्लेमिया इज दि लेवल ऑफ पोटासियम। ठीक अच्छे आप ब्लड रे पोटासियम रो लेवल जदि कम बेसी होती ताहले आपको सेटा आपंकर कौन ना हाइपोग्लाइकेमिया बोल कि कह पोटासियम रो लेवल। ठीक अच्छे जदि आपको लो होगा पोटासियम रो लेवलटा जदि लो है ताहले आपको कौन हम ना हाइपोग्लाइकेमिया। ए लो पोटासियम लेवल कैन मेक मसल फील विक् क्रांप आपंक मसल विक् हो क्रांप हो ट्विच हो इवेन बिकम पारालाइज आपड़े जदि पोटासियम रो अभाव रही। ठीक अच्छे तो 155 कौन अच्छे देखते ह्विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिम्पटम ऑफ विल्सन डिज। तो विल्सन डिजीज रो कोडा गोटे लक्षण नुहे तो कौन ना नाइट ब्लाइंडनेस। तो देखो आपंकर नाइट ब्लाइंडनेस क्या अभाव हुए यहाँ तो आम विटामिन ए अभाव हुए ना जोटा कि अंधार कण आईटा आम विल्सन सहित कौन संपर्क। ठीक अच्छे तो नाइट ब्लाइंडनेस इज अल्सो कॉल्ड निक्टालोपिया। ठीक अच्छे नाइट ब्लाइंडनेस रो आउ गोटे ना अच्छे ये मन रखिए निक्टालोपिया। ठीक अच्छे इज द इनएबिलिटी टू सी आउ। तो विल्सन डिजीज कौन ना इन ए हेल्दी बॉडी द लिवर फिल्टर्स आउट एक्सेस कॉपर एंड रिलीज इट थ्रू यूरिन। माने आम कौन ना या विल्सन डिजीज रे कौन हुए ना आपको जो फिल्टर फिल्टर कर लिवर फिल्टर करे माने एक्सेस कॉपर आम धर जो माने कौन बॉडी को भी तो किसी परिमाण कॉपर दरकार ना कि सी एक्सेस कॉपर को फिल्टर करके आपको काढ़ी दिए जहाँफल कि आम कौन ना या द्वारा कौन हुए ना आपंकर स्वेलिंग हम फेटिक हम अबनॉर्मल पेन हम ये सब जिनस प्रॉब्लम विथ स्पीच कथा कहार आपको प्रॉब्लम हो कि नहीं। नेक्स्ट जी देखो 156 डेस इज एन इनहेरिटेड ब्लड डिजर्डर डी टू ह्विच ऑफ द फॉलोइंग स्प्यूपिल व्हिच ऑफ पीपल सफरिंग फ्रॉम दिस कंडीशन आर एनेबल टू मेक हेमोग्लोबिन। माने आमर कौ रोग जनरली आमर जनरली हेमोग्लोबिन तैयारी हो पारे ना आईटा गोटे ब्लड इनहेरिटेड डिजर्डर माने जनकठ आज जन जब ब्लड नौ केसरेटा जनक आज जन को कौन कह जाए ना या थालामेसिया बोल कि कहुए। ठीक अच्छे तो थालामेसिया इज एन इनहेरिटेड ब्लड डिजर्डर। ठीक अच्छे तो ये जो आप रही जो इनफर्मेसन गुड़ा समस्ते टिके टिके पढ़ी देते। ठीक अच्छे तो क्लास प्रथम दुटा ही कंडीशन आप तो क्लास प्रथम देखीदे कम्प्लीटली। ठीक अच्छे ता सहित आपको ये जो पीडीएफटा मुझे सेयार करदेवि आज ये पीडीएफटा को आप पढ़ीदे। ठीक अच्छे पढ़ीदे जहाँफल कि आपको पूरा गोटे थ्रो आउट आइडिया मिल जाव ओके देन 157 कौन अच्छे देखो पर विजन इन ह्यूमन्स कैन बी ड्यू टू दि डेफिसीयसी पर भिजन आम क्या अभाव रही है तो ऑप्शन नंबर ए ऑब्वियसली ना सॉरी माने विटामिन ए अभाव तो ऑप्शन नंबर बी ये तो समस्त को जाना थी ऑब्वियसली आउ विटामिन ए रो अन्य ना माने सॉरी आमर जो नाइट ब्लाइंडनेस रो आउ गोटे ना कौन रही है ये टी आगे मुझे आपको कहली हाँ कि तो सहीटा टी देखने मानने कौन नाइट ब्लाइंडनेस रो आमर अन्य नाटा कौन सेटा इंपोर्टेंट रही है आप। तो 158 कौन अच्छे ना डेस इज ए कॉमनली यूज्ड मेडिसिन दैट कैन हेल्प ट्रीट पेन एंड रिड्यूस हाई बॉडी टेम्परेचर। माने आपंकर पेन को रिड्यूस करने कि आपको बॉडी टेम्परेचर कमेवाई जेनराली क्या यूज कराए तो यहाँ तो आपंकर कौन पारासीटामोल ऑप्शन नंबर सी आप देखते फीवर है आपको कौ मेडिसिन निपने जानी थे सब पिला ओके। तो देखते आपको जब रोग होती आप कौन कौन आपर जो मेडिसिन स्टोर को आप डायरेक्ट जाइए कहते मतलब पारासीटामोल दुटा दिं कि तो आपको कौन टेम्परेचर रिड्यूस करके ओके आपंकर बहुत जगह आप पेन को रिलीफ करें ओके तो पारासीटामोल बाकी आप जो आउ गोटे रही डेक्स्ट्रो मिथारोफेन यार काम कौन ना इज यूज यहाँ कौन पर यूज कराए डेक्स्ट्रो मिथारोफेन इज यूज टू टेम्पोरारी रिलीफ कफ तो आपको काशर रिलीफ पर यूज कराए
ଯେମିତିକି କମନ୍ କୋଲ୍ଡ ହେଇଗଲା, ଫ୍ଲୁ ହେଇଗଲା, ଏସବୁ ପାଇଁ। ଆଉ ବିସ୍ମତ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ? ମେଡିକେସନ୍ ଇଜ୍ ୟୁଜ୍ ଟୁ ଟ୍ରିଟ୍ ଅକେଜନାଲ୍ ଆପସେଟ୍ ଷ୍ଟମାକ୍। ଓକେ, ଆପଣଙ୍କ ଯଦି ଷ୍ଟମାକ୍ରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା ସେ କେସ୍ରେ ଏଇଟାକୁ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ, ହାର୍ଟ ବର୍ନ। ଓକେ, ଆଉ ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା କ'ଣ, ଗୋଫେନ୍ସିଆ। ଓକେ, ଗୋଫେନ୍ସିନ୍ ଇଜ୍ ୟୁଜ୍ ଟୁ ରିଲିଫ୍ ଚେଷ୍ଟ କଞ୍ଜେକ୍ସନ୍। ଓକେ, ତ ଏଥିରେ 58, ତ 59 କ'ଣ ଅଛି ନା, ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫଲୋଇଙ୍ଗ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ ଡାଜ୍ ନଟ୍ ଏଫେକ୍ଟ ଦି ଲେଭେଲ୍ ଅଫ୍ ଗ୍ଲାଇକେଟେଡ୍ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍। ଓକେ, ଗ୍ଲାଇକେଟେଡ୍ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍କୁ କେଉଁ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ଟା ଏଫେକ୍ଟ କରେ ନାହିଁ? ତ କ'ଣ ନା, ମେମୋରି ଲସ୍। ତ ମେମୋରି ଲସ୍ ଯଦି ହେଉଛି ସେଇଟା ଆମର ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ସହିତ କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ? କିନ୍ତୁ ବ୍ଲଡ଼୍ରେ ଆମର ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ଥିବ ନା, ଆଉ ବ୍ଲଡ଼୍ରେ ଆଇରନ୍ ବି ଥାଏ, ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ବି ସେଇଟାକୁ ଏଫେକ୍ଟ କରିବ ତେଣୁ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ଟାକୁ, କିନ୍ତୁ ମେମୋରି ଲସ୍ ସହିତ କିଛି ବି ତା'ର ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଡିଜିଜ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ଉପରେ 160 କ'ଣ ଅଛି ନା, ନିକ୍ଟୋଫୋବିଆ ଇଜ୍ ଦି ଫିଅର୍ ଅଫ୍। ନିକ୍ଟୋଫୋବିଆ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଡରକୁ କୁହାଯାଏ? ତ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଆମର, ଡାର୍କନେସ୍। ଯେଉଁମାନେ ଡର ମାନେ ରାତିରେ ଜେନେରାଲି ବହୁତ ପିଲା ଦେଖିବେ ବହୁତ ଡରି ଯାଆନ୍ତି, ଡର ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲାଗେ ଅବଭିୟସ୍ଲି, ଡରଟା ରାତିରେ ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଡର ଲାଗେ, ବଟ୍ ବହୁତ ପିଲା ଥାନ୍ତି ବହୁତ ଡରି ଯାଆନ୍ତି, ହଁ କି ନାଇଁ? ଯେ ଟୋଟାଲ ମାନେ କ'ଣ, ଲାଇଟ୍ ଏମିତି ଥିବ, କରେଣ୍ଟ ପଳେଇଲା ମାନେ ସେମାନେ ଡରି ଉଠିବେ, ପାଟି କରି ଉଠିବେ, ତ ସେଇଭଳିଆ। ତ ନିକ୍ଟୋଫୋବିଆ ମାନେ କ'ଣ, ଡାର୍କନେସ୍କୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଡର ଥାଏ। ଓକେ, ଫିଅର୍ ଅଫ୍ ଡାର୍କନେସ୍ ହେଲା ନିକ୍ଟୋଫୋବିଆ, ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଫିଅର୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଡ ମାନେ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଯେଉଁ ଡରି ଯାଆନ୍ତି ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଅର୍ନିଥୋଫୋବିଆ। ଫିଅର୍ ଅଫ୍ ଏନିମାଲ୍ସ, ଏନିମାଲ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଡରନ୍ତି ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଜୁଫୋବିଆ। ଆଉ ମାନେ ଲାଇଟ୍, ଲାଇଟ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଡରନ୍ତି ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଫଟୋଫୋବିଆ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏ ଥିଲା ଆମର। ତ ଟୋଟାଲ୍ ଉପରେ ଆମେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ କୋଶ୍ଚନ୍ସ କଲୁଣି, ପାଖାପାଖି 100 କୋଶ୍ଚନ୍ସ କଲୁଣି କାଲି ଆଉ ଆଜି ମିଶେଇକି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଇଏ ଥିଲା ଆମର କ'ଣ ନା, ଡିଜିଜ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ଉପରେ ଯାହା ବି କୋଶ୍ଚନ୍ସ ଥିଲା ତାକୁ ଡିସ୍କସ୍ କଲୁ। ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ଜେନେରାଲ୍ ଆୱାରନେସ୍ର ରହିବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବୁ, ତା ସହିତ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କ୍ଲାସ୍ ମଧ୍ୟ ଆମେ କରୁଛୁ, ତେଣୁ ସେସନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଉ ଏଇଭଳିଆ କ୍ଲାସେସ୍ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆପଣମାନେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଯାହା ବି କ୍ଲାସେସ୍ ଅପଲୋଡ଼୍ ହେବ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ଓକେ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିବେ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିନେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଏର PDF ଦରକାର ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଏନ୍ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ, ଆଜି ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ସେୟାର କରିଦେବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ତା'ର ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି। ତେବେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଏତିକି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।